नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। केजरीवाल की जिद पर निकाला योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को, कहा मयंक गांधी ने। आम आदमी पार्टी की पीएसी से दो वरिष्ठ सदस्यों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर करने के बाद भी पार्टी का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। पीएसी के सदस्य और पार्टी के बड़े चेहरे मयंक गांधी ने अब यादव और भूषण को हटाने के तरीके पर आपत्ति जताई है। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुई बातें सार्वजनिक कर दी हैं। मयंक ने पार्टी के निर्देशों को धता बताते हुए कार्यकर्ताओं के नाम लिखे खुले पत्र में ये बातें कही हैं। मयंक के मुताबिक योगेंद्र और भूषण खुद ही पीएसी से किनारे होने को राजी थे, लेकिन केजरीवाल इन्हें बाहर करने पर अड़े हुए थे और इसी के चलते इनकी पीएसी का पुनर्गठन करने या पीएसी से गैर हाजिर रहने की मांग नहीं मानी गई और सीधे सीधे बर्खास्तगी का प्रस्ताव पेश कर दिया गया। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राजदूत पर हमला। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के राजदूत मार्क लिपर्ट पर सोल में उस समय हमला हुआ जब वे भाषण दे रहे थे। अमेरिकी विदेश विभाग की उपप्रवक्ता मेरी हर्फ ने कहा कि हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राजदूत मार्क लिपर्ट पर सोल में सुबह उस समय हमला हुआ जब वे भाषण दे रहे थे। हम हिंसा के इस कृत्य की आलोचना करते हैं। 42 वर्षीय लिपर्ट को निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाक की तारीफ करने वालों को मारो जूते, कहा साध्वी सरस्वती ने। विहिप नेता बालिका सरस्वती ने कहा है कि भारत में रहने वाले लोग यदि पाकिस्तान की तारीफ करें तो उन्हें जूतों से मारना चाहिए, उन्हें उसी देश में भेज देना चाहिए। सरस्वती के इस बयान के बाद पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रही है। मंगलोर में हिंदू समाजोत्सव में अपने संबोधन के दौरान मध्य प्रदेश की रहने वाली सरस्वती ने कहा कि हिंदुओं का एक मंदिर अयोध्या में बनाना चाहिए और एक इस्लामाबाद में, और वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति मिलनी चाहिए। बॉलीवुड स्टार्स की तरह अस्थिर है टीम इंडिया, जेफरी ऑर्चर ने कहा। ब्रिटेन के मशहूर लेखक और पूर्व सांसद जेफरी ऑर्चर ने बुधवार को कहा कि वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम उनके लिए पहेली की तरह है। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम की तुलना बॉलीवुड सुपरस्टार्स से की, जो उनके अनुसार हमेशा हिट फिल्म नहीं दे पाते हैं। आर्चर ने अपनी किताब माइटी देन अ सोर्ड के विमोचन के अवसर पर कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मौजूदा क्रिकेट टीम मेरे लिए पहेली है। मैंने अपने जीवन में जितने भी बल्लेबाज देखे हैं उनमें विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ हैं। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। नमस्कार।